कितना बनाया है? अभी तो 70 बना के आ रहे हैं। अच्छा 70, आप कितना बनाए? 80। आप कितना बनाए? आप कितना बनाए? 70। पिछले 3-4 दिन से एग्जाम कैसे बहुत बढ़िया रहा, क्वेश्चन पेपर अच्छा था, चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं चला? चीटिंग नहीं। क्या लगता है कि आप लोग फर्स्ट आएंगे क्या? हाँ तो उम्मीद तो है फर्स्ट करने का। उम्मीद है। अच्छा कोई ऐसा एग्जाम में है जो गड़बड़ गया? नहीं, सब अच्छा गया, ठीक सब अच्छा। जो जिस सिलेबस से पढ़े थे आए थे क्वेश्चन? जी पैटर्न पे आया। अच्छा पैटर्न पे आया। आपका कौन सा स्कूल से आप? टेलवा बाजार हाई स्कूल। अच्छा मैं टेलवा बाजार। किस चीज का एग्जाम था? इकोनॉमिक्स का। अच्छा ऑल दी बेस्ट आप लोगों को। थैंक यू। एग्जाम तो बहुत बढ़िया रहा। अच्छा कितना बनाए हैं? कम से 90+। ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में 40+। एग्जाम देखा है? अच्छा ही नहीं। कितना बनाए आप? अच्छा सब बन गया, सब क्वेश्चन इजी था। सब क्वेश्चन इजी था? जी सब क्वेश्चन इजी था। तो एग्जाम सेंटर में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से मतलब पूछे गए थे? इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में अक्सर क्वेश्चन आप दोनों बताएंगे? गेस्ट पेपर से ही पूछे गए थे। अच्छा गेस्ट पेपर से? जी। गेस्ट पेपर पढ़ के गए थे आप? जी। अच्छा अच्छा तो सारे एग्जाम अच्छे गए? यस। क्या लगता है कि फर्स्ट आएंगे या फर्स्ट सेकंड आएंगे? सेकंड तो पक्का है। बिहार टॉपर आइएगा, आइए थोड़ा आइए ना। फर्स्ट आएंगे फर्स्ट। अच्छा अच्छा आप लोग कहाँ के आए? हम लोग झाझा से। आपका क्या नाम हुआ? एमडी मौसीमन सर। आपका? मेरा बबलू है। आपका स्कूल कहाँ? MGS। अच्छा वहाँ के सेंटर यहाँ ऑक्सफोर्ड में भेजा? जी नहीं, किरण हाट है ना? किरण हाट। अच्छा आप दोनों को ऑल दी बेस्ट, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ वो स्टूडेंट है जो अभी तुरंत एग्जाम सेंटर से निकले हैं। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। आपका क्या नाम हुआ? नीतीश राज। आप कितना बनाए? लगभग 85। आप? 90+ है। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? सुमित राज साहब। आप कितना बनाए? मेरा 90 लगभग बनाया हूँ। तो क्या लगता है कि एकदम फर्स्ट आएंगे ना आप लोग? आ जाएंगे फर्स्ट, आराम से आएंगे। अच्छा पिछले 5-6 दिन से एग्जाम चल रहा था तो कैसा रहा आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ कोई देख कड़ा और अभी नहीं था, आराम से सब लिखाया, मास्टर भी थोड़ा हेल्प किए। अच्छा मास्टर भी हेल्प किए? हाँ थोड़ा अंदर में था हेल्प। तो जिस सिलेबस से पढ़े थे क्या उसी से क्वेश्चन आए थे? मतलब कुछ कुछ उसी से आया था लेकिन बाहर से बहुत था। जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा आप? चारों पढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा, अच्छा से तैयारी करना, पीछे से पूरी भाई जो पढ़ाई जाता है कोचिंग में उसे पीछे से पूरा से अच्छा से देखा जाए। बिना पढ़ ले को बिना पढ़े उम्मीद चीटिंग उटिंग तो नहीं चला? नहीं, चीट उट भीतर ले जाने मना है। ऑब्जेक्टिव में कितना बनाया आप? ऑब्जेक्टिव में कम से कम 45 से पास सही होगा। 45 लगभग। आपका? 45 से ऊपर ही होगा। सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव जाइए 35-40 इस तरह। जो आंसर बाप के माने कोई आंसर नहीं आधा आया तो उसको आप कैसे हल किए? यही अपने मतलब जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है उसी अपने उसी मतलब बना के मतलब ऐसे ऐसे करके बना दे जो आता है सीधा। आप कितना ऑब्जेक्टिव में बनाए? ऑब्जेक्टिव 40+ है। 40+। आप 45 कितना मार्क्स आएगा लगभग? आप सब 350 आई लगभग। वही 350 जाइएगा? तीन से पार आएगा बस इतना जानते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बदवन तला जमुई। यस वेरी गुड, थैंक यू ऑल दी बेस्ट। अब जो जुड़े हमसे धन्यवाद।